हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार स्टेट न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है आज हमारे साथ मौजूद हैं कोसली कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता व सांसद दीपेंद्र हुड्डा के परम मित्र राकेश लांबा जी आइए उनसे जानते हैं कोसली विधानसभा का अब की बार क्या हालचाल है नमस्कार सर स्टेट न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर आप बताइए कि अब की बार कोसली विधानसभा से आपको क्या लगता है कि दीपेंद्र जी लीड लेंगे या फिर पिछली बार की तरह उनको झटका लग सकता है इस बार लोकप्रिय सांसद दीपेंद्र सिंह जी कोसली हल्के से कम से कम मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ पूरी जिम्मेवारी के साथ कम से कम पचास हजार वोटों से जीत के निकलेंगे उसका कारण है क्योंकि बीजेपी ने पिछले पाँच साल में जो कोसली के साथ भेदभाव किया है कोसली में जब मुख्यमंत्री आया था तो उसने बहुत ज़्यादा घोषणाएं की थी और घोषणा के बाद कहा था कि अगर मैं ये जो है नर्सिंग कॉलेज और ला की क्लासे नहीं लगवा सकूँगा तो मैं कोसली में नहीं घुसूँगा मुख्यमंत्री जी इस बात पर बिल्कुल कायम रहे और वो पूरे पाँच साल कोसली में नहीं आए जबकि सांसद दीपेंद्र सिंह के टाइम में पचानवे स्कूल अपग्रेड हुए और बीजेपी के पूरे शासनकाल में पाँच साल के दौरान एक स्कूल अपग्रेड हुआ गोठडा का जिसमें हमारी बच्चियों को जो है वो धरना प्रदर्शन करना पड़ा और धरना प्रदर्शन के बाद भी सरकार पर दबाव बनाने के लिए सांसद साहब ने उनके ऊपर आए जब सांसद साहब धरने पर आए तब सरकार ने डर के उस स्कूल को अपग्रेड किया नहीं तो पूरे पाँच साल के अंदर एक भी स्कूल अपग्रेड नहीं हुआ जबकि दीपेंद्र की योजना में पंचानवे स्कूल अपग्रेड हुए तो इसलिए काम के मात्र जो है ना लोग हमारे देश में डेमोक्रेसी है डेमोक्रेसी का मतलब ये था कि अच्छे सांसद चुन के प्रधानमंत्री बनाते हैं जब संसद में अच्छे आदमी जाएंगे तो दीपेंद्र की जो लोकप्रियता है जो काम करने की शैली है उससे लोग बहुत प्रभावित हैं और पिछली गलती को सुधारते हुए इस बार कम से कम पचास हजार वोटों से दीपेंद्र जी को जिताएंगे उनके विपक्ष में जो दूसरे सांसद हैं ये जो डॉक्टर अरविंद शर्मा जी डॉक्टर अरविंद शर्मा जी ने पिछले छः चुनाव और छः पार्टियाँ बदल के लड़ा है वो हमारे रोहतक लोकसभा का अपने स्वार्थ के लिए लो रो रोहतक लोकसभा का भी सौदा कर सकते हैं अगर कोई पार्टी अगर ये जीत के चले भी गैर कोई पार्टी ने इनके साथ सौदा कर लिया तो पूरी रोहतक की जनता का भी सौदा कर सकते हैं तो ऐसे सांसद ऐसे कैंडिडेट के ऊपर कोसली की जनता बिल्कुल भी भरोसा नहीं करेगी क्योंकि कोसली जो क्षेत्र है वो वीरों का क्षेत्र है सबसे ज्यादा बुद्धिजीवों का क्षेत्र है तो ये अपने बड़ी बुद्धि का प्रयोग करते हुए जिस तरीके से बीजेपी ने इनको गुमराह किया पाँच साल इसी तरीके से बीजेपी को बड़ा जोर का झटका जो है ना कोसली विधानसभा क्षेत्र देगा राकेश जी क्या आपको नहीं लगता कि अब की बार भी मोदी वेव कहीं काम कर रही है क्या ये एक बड़ा झटका नहीं दे सकती कोस जहाँ तक रोहतक लोकसभा क्षेत्र का वो बात है तो मोदी ने रोहतक लोकसभा क्षेत्र के अंदर कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे मोदी फैक्टर काम आए मोदी फैक्टर का कोसली के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं क्योंकि सेना के हर घर में सेना का जवान है और सेना जो है वो मोदी सेना नहीं है सेना तो देश की सेना है और देश की सेना पर हमें गर्व है और देश की सेना जब भी हमारे दुश्मन ने कभी भी देश के ऊपर उंगली उठाने की कोशिश करी या हमें आंख दिखाने की कोशिश करी हमारी भारत की मजबूत सेना ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है चाहे किसी भी चाहे लाल बहादुर की शास्त्री की सरकार हो चाहे जो है ना कारगिल युद्ध में बीजेपी की सरकार हो चाहे इंदिरा गांधी के टाइम में इकहत्तर का युद्ध हो बांग्लादेश की जहाँ अलग बनाने की बात हो हमेशा से भारत की सेना पूरे विश्व के अंदर सबसे जो है दर सबसे मज़बूत सेना के रूप में है और मुझे गर्व है कि हमारे गांव में भी हर घर में सेना के अंदर जो है बच्चे नौकरी करते हैं और सेना के अंदर जो बच्चे नौकरी करते हैं वो सभी जो दीपेंद्र के फॉलोवर हैं उन्हीं के घर से जो बच्चे सेना में जा रहे हैं बीजेपी के तो वर्करों के भी बच्चे सेना में नहीं है तो बीजेपी का तो सेना की के नाम पर वोट मांगने की कोई बात ही नहीं होती सेना जो है पूरे देश की सेना है और सेना पर हमें गर्व है और कोसली की सेना जो है सारी दीपेंद्र जी के साथ सर पीछे दो में जाट आरक्षण हुआ था तो क्या आपको लगता है कि विपक्ष जो आपका विपक्ष है वो उसको भुनाने की कोशिश इस चुनाव में कर सकता है जहाँ मैं जाट आरक्षण की जो बात बताऊँ इसके अंदर खुद जो आयोग था सतपाल जो आयोग इन्होंने बनाया था उस आयोग ने भी ये मानना है कि ये सरकार की फेलर है और खुद अश्वनी चोपड़ा जो इनके सांसद थे उन्होंने कहा है कि सरकार के दो दो मंत्रियों की इन्वॉल्वमेंट है और जहाँ तक इन्होंने जो है दो दो तीन तीन बार हरियाणा को जलवाने का काम किया है चाहे आरक्षण की बात हो चाहे पदमावत फिल्म की बात हो कभी भी इन्होंने जो है न भाईचारे को हमेशा पूरे जो हरियाणा एक बात के लिए प्रसिद्ध था कि जहाँ भाईचारा और खान पीन के लिए हरियाणा प्रसिद्ध था वहाँ इन्होंने जो है ना बिल्कुल बीजेपी सरकार ने पूरे भाईचारे को तोड़ने की कोशिश करी गई है परंतु हरियाणा का हर आदमी जो है ना हरियाणा एक है हरियाणवी एक है और जो है इस मामले में हमेशा बीजेपी का तो खाली ये नारा रहा है बल्कि और दीपेंद्र सांसद कह रहे हैं कि लोगों को हमेशा जोड़ने का काम किया है और बीजेपी ने हमेशा तोड़ने का काम किया सर अभी दो तीन दिन के बाद में नरेंद्र मोदी रैली कर रहे हैं रोहतक में तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे नरेंद्र मोदी रैली निकल रोहतक को और सोनीपत को तो बीजेपी ने बिल्कुल पूरे दिन मुख्यमंत्री रहता है पूरे दिन बीजेपी का अध्यक्ष रहता है पूरे दिन बीजेपी सरकार के मंत्री रहते हैं परंतु रोहतक लोकसभा क्षेत्र की जो जागरूक जनता है वो उनको गांव में नहीं घुसने देती अगर झगड़ा इसलिए नहीं हो पाता कि इनके साथ बहुत बहुत ज्यादा फोर्स रहती है फिर भी लोग प्रजातंत्र तरीके से इनका विरोध करते हैं जब इनको कुछ भी नहीं सूझ रहा तो सोचते हैं कि चलो मोदी की नैया में बैठ के पार हो जाए पर लेकिन रोहतक और सोनीपत से ऐसा बिल्कुल जनता उन्हें नहीं देगी और रोहतक लोकसभा में मोदी फैक्टर बिल्कुल काम नहीं करेगा वो दस अब पूरे मुख्यमंत्री भी बैठा रहे उसका ही कोई असर नहीं तो मोदी का एक दिन का कहने का असर क्या पांच साल में मोदी एक बार भी रोहतक नहीं आया एक बार भी जब दो दो तीन तीन, तीन बार हरियाणा प्रदेश को जड़ के वो हो गया जब भी एक शब्द भी कोई सहानुभूति का किसी भी समय उन्होंने नहीं कहा तो इस समय मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई मोदी फैक्टर काम करेगा राकेश जी आप दीपेंद्र हुड्डा के परम मित्र हैं तो अब की बार आप रोहतक जो लोकसभा सीट है वहाँ के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे मैं रोहतक लोकसभा क्षेत्र को संदेश ये देना चाहूँगा कि ये जो चुनाव है ये हमारे रोहतक के व्यक्तित्व का चुनाव है हमारे मान सम्मान का चुनाव है हमारे काम करने वाले का चुनाव है अगर हम इस बार सांसद को दीपेंद्र को नहीं जिताएंगे तो ये संदेश जाएगा विपक्षी पार्टियों में अगर यहाँ तो कोई भी आओ और बाहर से टिकट ले आओ पार्टियों से पैरा से उतरो और पा पंद्रह दिन तफरी मना के एम पी बन के चले जाओ और कुछ काम नहीं करो फिर लोगों का काम करने का भी मन टूट जाएगा और लोगों का जो भाईचारे का संदेश है तो इसलिए मैं सबसे जो है ना आपसी मतभेद भूल कर और सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों जिताने के लिए अपील करता हूँ राकेश जी स्टेट न्यूज़ हरियाणा से बात करने के लिए आपका धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी जी और आपकी सारी टीम का भी और सांसद साहब को भी मैं जो है ना ऐसे और करता हूँ कि कोसली विधानसभा क्षेत्र से तो कम से कम पचास हज़ार वोटों जीत के जाएंगे तो ये हैं राकेश लांबा जी जो कि कोसली कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता हैं जिन्होंने हमारे हर सवाल का बड़ी ही खूबसूरती से जवाब दिया मैं अपनी टीम के साथ अमित अमन स्टेट न्यूज़ हरियाणा कोसली एरिया का एकमात्र ऐसा विद्यालय जहां बच्चों को दिया जाता है पूरा प्रैक्टिकल ज्ञान प्रोजेक्ट स्टडी केमेस्ट्री लैब कंप्यूटर लैब फिजिक्स लैब लाइब्रेरी सबसे कम फीस में सबसे बेहतरीन शिक्षा स्कूल बस का कोई किराया नहीं एक्स्ट्रा क्लासेस की कोई फीस नहीं गायत्री साइंस इंस्टीट्यूट पाए सबसे अच्छा अवसर सबसे पहले लिमिटेड सीट आज ही कॉल करे नाइन सेवन टू नाइन सिक्स एट थ्री सिक्स थ्री सिक्स